Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Stay home, stay safe is very important for all of you. So, my dear student, first of all, I just want to introduce myself. I am Sneha Bhardwaj, and today I am going to teach you computer. Not today. In this session, I will teach you computer. Okay? So, I hope you all are interested in computer, because if you are not interested इन एनी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, फिर वो सब्जेक्ट चाहे कितना भी अच्छा से कोई पढ़ाए, बट आप समझ नहीं पाओगे, राइट? तो ज़रूरी है इंटरेस्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना. ओके, सो एंड फॉर कंप्यूटर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अभी के टाइम में क्या है, जो कंप्यूटर है वो हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है. ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो अगर जो चीज़ हमारे लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में जानना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, योर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो एज यू नो, मैं कभी भी डायरेक्ट चैप्टर्स पे जाना पसंद नहीं करती, बिकॉज बेसिक थोड़ा सा जान लेना अच्छा रहता है. जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ ना हो कि मैं कंप्यूटर नहीं समझा, पार्ट्स क्या होता है वो मुझे नहीं समझ में, एंड सडनली आप जनरेशन पे चले गए, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. डैट्स वाई मैं थोड़ा सा कंप्यूटर स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैं बता के, और उसके बाद मैं आपके चैप्टर्स को स्टार्ट करूँगी. ओके, आई होप आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ कुछ मिस करते हैं बीच में का, कंप्यूटर क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ और नॉट, वाई वी यूज़ कंप्यूटर, वट इज़ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. इससे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, बेसिक हैं, बट जानना ज़रूरी होता है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. ठीक है, सो वट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मुझे आंसर देंगे कि मैम कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बस. तो अगर आप ये आंसर देते हो तो यू आर इन क्लास 5th, राइट? एंड क्लास 5th में अगर आप मुझे ये आंसर दोगे तो इट्स नॉट गुड, आई एम नॉट गिविंग एनी मार्क्स, बिकॉज ये क्लास 1 के बच्चों के लिए ये बताया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक से चलता है. बट इसके वर्किंग, वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या काम करता है, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, और साथ ही साथ ये हमारे जितने भी अर्थमेटिक वर्क होते हैं, लॉजिकल वर्क होते हैं, वो सारा टास्क वो परफॉर्म करता है, और वो हमारे लिए ईजली कर देता है. ओके, सो यू कैन से वॉट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ कैपेबल टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क. इट्स सिंपल लाइन, आप ये लाइन किसी भी क्लास के लिए यूज़ करोगे ना, इट्स परफेक्ट. आप इतना में आप कंप्यूटर के बारे में ऑलमोस्ट आपने बता दिया कि जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, और वो अर्थमेटिक टास्क, इट मीन्स वो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हर चीज़ वो कर लेता है, एंड लॉजिकल टास्क भी कर लेता है. ठीक है, तो इन दोनों टास्क को परफॉर्म करने वाला जो है वो है कंप्यूटर. ठीक है, और जब ये टास्क परफॉर्म करता है, इसके हेल्प से हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है कोई भी काम को परफॉर्म करना. इट्स वेरी ईजी एंड क्विकली, ये बहुत जल्दी से काम करते हैं और बहुत आसानी से वो काम कर देता है. ठीक है, तो अगर आपसे कोई कंप्यूटर के बारे में पूछेगा, डोंट वरी, मैं आपको रिटन भी सेंड करूँगी. सो अभी आप सुन लो, वॉट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ कैपेबल टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि होना बहुत कंपल्सरी है. अगर वो पार्ट नहीं रहा कंप्यूटर में तो यू कांट वर्क, आप उस पर कुछ काम नहीं कर सकते हो. ओके, सो मैंने छोटे से यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम बनाया है, जो कि आपको भी बनाना पड़ेगा आपको अपने फेयर कॉपी में. सो हियर इज अ कंप्यूटर सिस्टम, मैंने एक सिस्टम बनाया है
parts of computer hai. Keyboard is a part of computer. CPU and mouse. ये कुछ ऐसे parts हैं ना जो कि हमारे लिए means हमें computer use करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. Monitor, जो भी हम work करते हैं उसको display कर कहाँ पे कराता है work को monitor पे. That's why monitor is very important and it's look like a TV screen. Okay? And the second thing is keyboard. Keyboard, with the help of keyboard we can press any key like A, B, C, D या 0, 2, 1 या कोई symbol अगर आप वो key इस पे सारे present रहते हैं वो आप click करते हो उसके help से आप कुछ भी यहाँ पे type कर सकते हो. तो ये भी हमारे लिए important है. अगर ये रहेगा ही नहीं तो हम अपना instruction कैसे computer को दे सकते हैं, right? Now come to the point CPU. CPU is a brain of computer. जैसे हमारा brain हमारे पास है just like ये कंप्यूटर का ब्रेन है. जितनी भी मेमोरीज होती है वो सब कुछ स्टोर करके कहाँ रखता है? सीपीयू में. ओके, सो हम जितने भी वर्क करते हैं सब कुछ भी स्टोर किया जाता है वो सारा चीज़ हमें सीपीयू से वापस जब भी चाहिए होता है वो मिल जाता है. तो हमारे लिए सीपीयू भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट माउस. माउस का क्या काम होता है कि अगर जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो और जब माउस ड्रैग करोगे तो आपको एक पॉइंटर दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे आपके मॉनिटर पे एक पॉइंटर दिखेगा. आप जहाँ जहाँ माउस को ड्रैग करोगे वैसे वैसे आप मॉनिटर पे देखोगे कि वो इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है. इट मीन्स कि हमें इसका भी यूज़ करना पड़ता है कुछ सेलेक्ट करने के लिए, कहीं क्लिक करने के लिए, तो इसका भी यूज़ करते हैं. बट नाउअडेज जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये सारे हैं और इसको आप अपनी कॉपी में करके मुझे आज दिखाओगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से नहीं बनाते. ओके, सो आप अभी करोगे और मुझे वीडियोस ख़त्म होने के बाद, चैप्टर्स पढ़ने के बाद जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करने हैं. एंड अगर डाउट्स क्लियर हो गए यू हैव टू मेक द राइट वन कंप्यूटर सिस्टम नीट एंड क्लीन. अब ये नहीं कि आप कुछ भी रफ एंड टफ आपने बनाया एंड वो आपने सबमिट करी थी. नो, आपको नीट एंड क्लीन बनाना है. ओके, सो ये तो हमने कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख लिया. अब हम आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, इसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे बताना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ. ये जो कंप्यूटर वर्ड जो है ये आया कहाँ से? ठीक है, द कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये जो वर्ड है एक ग्रीक का वर्ड है कंप्यूट, कंप्यूट. इस कंप्यूट से हमने कंप्यूटर वर्ड बनाया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट? द मीनिंग ऑफ कंप्यूट इज टू कैलकुलेट. मीन्स इसका मतलब क्या है? टू कैलकुलेट. टू कैलकुलेट मीन्स कुछ भी कैलकुलेशन का काम हम लोग करने को बोलते हैं कंप्यूट. एंड कंप्यूट से हमने कंप्यूटर वर्ड डिराइव कर लिया. इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, कम टू चैप्टर. चैप्टर नंबर वन, ओपन योर बुक. हम अब थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं बिकॉज टुडे फर्स्ट क्लास, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत सारा आपको एक साथ बहुत कुछ सुनने को मिल जाए जो कि आपके लिए टफ हो. सो या नाउ कम टू द पॉइंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओपन योर बुक एंड आई एम गोइंग टू रीड द लाइन्स एंड एक्सप्लेन इट. मैं लाइन को रीड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ एंड उसके बाद आपको जो डाउट्स होंगे आप उनसे क्लियर कर सकते हो एनी डाउट. ओके, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ही ना करो, पूछो ही नहीं और आपको समझ में भी नहीं है. समझ में आ गया इट्स वेरी गुड, नहीं आया इट्स ओके, आ जाएगा मुझे समझ में. ओके, सो ओपन योर बुक. सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. Computers also have a different generation, just like the human have. Okay, it's true. Computer का भी generation होता है जिस तरह से human का generation होता है. जैसे आप science में पढ़ते होंगे कि human being के भी generation होता है, उसी तरह से हमारा computer का भी अपना generation होता है. Means कौन से time में क्या आया था, उसमें क्या changes आया, फिर उसको modify करके उससे भी easy कुछ आया. इट मीन्स वो जनरेशन भी डिवाइड हो गया कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन. तो कंप्यूटर में टोटल अभी जो आपको जनरेशन पढ़ने होंगे दैट्स अ फाइव. ठीक है, फाइव जनरेशन हमें
कंप्यूटर में पढ़ना है. क्लियर? तो नाउ कम टू द टॉपिक. कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ डिफरेंट जनरेशन जस्ट लाइक द ह्यूमन हैव. जिस तरह से ह्यूमन का होता है जनरेशन, वैसे ही कंप्यूटर का भी डिफरेंट जनरेशन होता है. सिंस द 1940s एडवांसमेंट इन कंप्यूटर हैड कम रैपिडली एंड इट टूक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर. मतलब 1940 में कंप्यूटर में कुछ चेंजेस, कंप्यूटर वर्ड आया, कंप्यूटर में कुछ काम होने लगे, तो इसमें बहुत सारा बहुत तेज़ी से 1940 के बाद चेंजेस आने लगे. और एक फुल फ्लेज़र में कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ नया नया इंट्रोड्यूस होने लगा और उसी में हमने जनरेशन डिवाइड कर दिया. ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कब से कब है? 1942 to 1955 आपके बुक में दिया है. नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन इज 1956 to 1964. थर्ड जनरेशन इज 1965 to 1971. फोर्थ जनरेशन इज 1972 to 1980 एंड द फिफ्थ जनरेशन इज 1982 ऑनवर्ड्स. मतलब अभी तक. ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि कब से कब तक ये जनरेशन था. आपको ये लर्न करने होंगे. ओके, बट अभी नहीं, डोंट वरी. सो फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1955 तक रहा. इसमें क्या आया था, क्या इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम स्ट्यूब 1942 to 1955. अब 1942 से 1955 में एक वर्ड आपको दिख रहा है वैक्यूम ट्यूब, इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या है, कहाँ से आया. द बेसिस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज वैक्यूम ट्यूब. अब जो फर्स्ट जनरेशन आया था उसमें किस चीज़ पे हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता था, किस पे बेस्ड हुआ करता था, तो वो एक वैक्यूम ट्यूब था, उसमें ही कंप्यूटर वर्क किया करता था. ठीक है, आप एक पिक्चर्स देख रहे होंगे बुक में, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का नाम था ENIAC. ठीक है, द वैक्यूम ट्यूब ऑन ENIAC कंप्यूटर. आप फिगर देखो कितना बड़ा सा है, कि एक रूम के जैसे दिख रहा है, जस्ट लाइक अ रूम. ये देख के कहीं से कंप्यूटर नहीं लग रहा है, बट येस इट इज़ अ कंप्यूटर. और इसमें हम यूज़ क्या किया करते थे, वैक्यूम ट्यूब. ओके, फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कंप्यूटर्स. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कंप्यूटर्स का, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो फर्स्ट पॉइंट है, वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज एज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. जो वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था वो उसमें क्या यूज होता था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से वो चलता था. ठीक है, उसका यूज़ हम लोग करते थे. सेकेंड पॉइंट इज लार्ज साइज, तो वो तो देख के ही पता चल रहा है. दिस कंप्यूटर वेयर एज अ बिग एज अ रूम. येस, और मैंने अभी कहा और आप भी देख के यही बोलोगे कि ये तो एक रूम है, बट नो इट्स अ कंप्यूटर. तो ये क्या है ना, इसका बहुत बड़ा साइज था एंड ये एक रूम के जैसे दिखता था, बट वो था कंप्यूटर. ओके, दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव. अब ENIAC जो कंप्यूटर था वो सारे जो थे बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे. दे वेयर स्लो इन स्पीड. जो उनका स्पीड हुआ करता था ना वो स्लो रहता था, मीन्स बहुत धीरे धीरे वर्क उस पर होता था. दे हैड स्मॉल मेमोरी. ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका जो मेमोरी था ना वो स्मॉल था, बहुत कम मेमोरी उसमें हुआ करते थे. ओके, यूज्ड मशीन लैंग्वेज. वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था उसमें. वैक्यूम ट्यूब जो था जिसपे बेस था उसमें इतने सारे हुआ करते थे, वेरी एक्सपेंसिव, स्लो इन स्पीड, स्मॉल मेमोरी एंड यूज मशीन लैंग्वेज, इट्स लुक लाइक अ रूम. ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है उसके. द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. अब कुछ यहाँ पे डिमेरिट्स दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसमें क्या क्या डिमेरिट्स हुआ, क्या क्या डिमेरिट्स था उसके बारे में. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड. इसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता था जब इस पर कोई काम करता था, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुआ होता था. ठीक है, हाई मेंटेनेंस. इसका मेंटेनेंस जो था ना उसका केयर करना बहुत मुश्किल था, बहुत हाई मेंटेनेंस था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और बहुत ध्यान से हर चीज़ करना पड़ता था. नॉट रिलायबल.
उस पर कुछ हम ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते थे. ओके, सम ऑफ द मॉडल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एडवेक, एनिएक, यूनिवेक. ये सारे कंप्यूटर्स के नाम हैं, इसके फुल फॉर्म भी है, मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी. सो ये जो जनरेशन है, इस फर्स्ट जनरेशन में जो जो कंप्यूटर थे उस समय, एडवेक था, एनिएक था, यूनिवेक वन भी था, तो ये सारे जो कंप्यूटर्स थे उनके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड कुछ डिमेरिट्स, मीन्स कुछ मेरिट्स भी हैं एंड कुछ डिमेरिट्स भी हैं. ठीक है, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, इसलिए अभी के टाइम में वो डिमेरिट लग रहा है, बट दैट टाइम वो कुछ वर्क परफॉर्म करता था इसलिए लगता था चलो कुछ तो वर्क कर रहा है, बट बाद में वो हमें डिमेरिट के रूप में दिखने लगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत स्लो चल रहा है, मेमोरीज नहीं है. तो ये सारी चीज़ वैक्यूम ट्यूब पे जो हमारा कंप्यूटर जो बेस्ड हुआ करता था उस पर जो काम होता था, तो उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स आते थे. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग ओनली फर्स्ट जनरेशन मेथड. फर्स्ट जनरेशन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट क्लास. तो पहले आप बेसिक एक बार आप लर्न कर लो, एक बार समझ लो, उसमें कोई डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क विद मी. आफ्टर दैट रीड द चैप्टर. ओके, फर्स्ट जनरेशन आप अच्छे से पढ़ लो. जनरेशन जो नेम है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, नॉट नेम, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इन सब के डेट्स को आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे अपने विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. आप इस बुक के हेल्प से वो जनरेशन के डेट्स लिख के, एंड एक और वर्क बहुत ही छोटा सा है, थोड़ा सा ड्राइंग पार्ट भी देख लेते हैं. कंप्यूटर सिस्टम आपको बनाने हैं और वो एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको कितने पता है वो सारे लिख के आप मुझे फोटो क्लिक करके और आप मुझे अभी सेंड करोगे. दिस इज़ योर क्लास वर्क एंड इतना तो आप कर लो. एंड होमवर्क में बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है. रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें से भी आप पढ़ के रहना, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो आप तुरंत उनसे क्लियर कर लो. ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया, इट्स ओके, यू कैन आस्क विद मी. ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू.